के बाप बनकर बेटी को विदा कर दो, इसी में सबकी भलाई है, वरना आज जो जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ठीक है जी, आदमी जब तक रहेगा जिंदा और रहा है हमारी यादों में रहेगा, पर ऐसा बंदा कोई बिलहाल कभी मिलेगा नहीं और ना मिलेगा आज तक। जी अमित चीतनिया जान देगा कोई यूपी सनी के लिए फेवरेट है। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। फिल्म बहुत बढ़िया गई, बहुत बढ़िया, नाइस, बहुत अच्छी गई फिल्म, बेहतरीन, मजा आ गया फिल्म देखते। फिल्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिल्म है। अभी गदर 2 हिट होगी नहीं होगी क्या लगता है? हिट होगी क्यों नहीं होगी? जब गदर अच्छा लगा डायलॉग वालों को। सनी देओल बोलता है के बाप बनकर बेटी को विदा कर दो, इसी में सबकी भलाई है, वरना आज जो जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। ठीक है, उससे वो अशरफ अली कहता है कि बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो भाई वो तो बोल देगा अपने बीवी बच्चों की खातिर, वो कहता है कि हिंदुस्तान, तो वो कहता है अशरफ अली जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब ये पिक्चर जो आ रही है तो डायलॉग डिलीवरी भाई देखी जाएगी, को क्या कोई बता दो सर, टीजर देखा था हमने, टीजर में अभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। डायलॉग ठीक है यार, वो बोलता है कि पाकिस्तान का दामाद बता रहे हो। नहीं, वो कोई लेडीज बोल रही थी कि उस टाइम पे तो दहेज में वो ले गया था गैचू, इस टाइम पे पूरा लाहौर ले आएगा, इतनी चीज दिखाई है। मैं पिक्चरों में बहुत करेंगे हूँ, क्योंकि मैं नेक नेक से डायलॉग पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इससे तो पता चलता है कि पिक्चर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी देख नहीं है, टीजर ही दिखा, टेलर दिखा देते तो बताया था। धमाका होगा भाई साहब, 11 अगस्त को ऐसा धमाका होगा कि पठान पठान सब रिलेट जाएंगी, ऐसा धमाका होगा। उस दिन तो 4 मूवी आ रही है, एक वो एनिमल आ रही है, ओ माय गॉड 2 आ रही है, चकमार कोई भी आया हमारे, देखो हमारी यूपी में चलेगी, यूपी में गदर ही चलेगी। जी अमित चीतनिया जान देगा कोई यूपी सनी के लिए फेवरेट है, कोई पिक्चर कहीं भी नहीं चलती जितनी हमारी यूपी में। अब ये तो अभी गदर तो उससे पहले घायल, घातक, जिद्दी, नरसिम्हा, ऐसी पिक्चर चली थी इसकी, चला के दिखावे थी फिल्म को भी है भाई, नाम था इसका सलमान खान का, इसी टाइम पे आमिर खान का, इस टाइम पे कोई नाम नहीं था इनका। ये तो शाहरुख खान के पल्ले वो यश चोपड़ा पड़ गया, इसलिए शाहरुख खान उछलने लग गया, और अजय देवल के वो सलमान खान के पास सूरज बजातिया, हम आपके कौन, और हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, तो ना डायरेक्टर अच्छे मिल गए, इसलिए इनकी पोजीशन बढ़ गई, समझ गए, ये चक्कर था बस, वरना ना कोई पूछ ही नहीं रहा था उस टाइम पे। सही बात है कि नहीं, अच्छा सब क्या रहूँगा मैं नहीं। अच्छा जो गदर पिक्चर है उनके गानों के वजह से बहुत जानते हैं, गाने से बढ़िया एक से, हालांकि एक पिक्चर आती है ना उसमें 2-3 गाने अच्छे होते हैं, लेकिन इसके तो सब गाने, और सबसे ज़्यादा बढ़िया गाना वो वही लगा था मुसाफिर जाने वाले, बाकी तो मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले, दिल में बस कुछ टूट रहा है ना जाने क्या छूट रहा है, होठों पर नहीं कोई कहानी, फिर भी आँख में आ गया पानी, नहीं हम भूलने वाले हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब 11 अगस्त को बोलेंगे, लगी थी आग, लग गई थी, ऐसी ऐसी लड़ाई हुई थी पहले सोफे का दूसरे सोफे के लिए, वहाँ इतनी पुलिस थी, इतनी पुलिस थी बहुत ज्यादा, पूरा लोहा मंडी थाना वहीं पे ही था, हमारे आंखों के सामने ही बात है। ऐसा मतलब इस बार होगा नहीं होगा क्या लगता है? अब देखो भाई साहब, वो जो ये जो पिक्चर थी पहली वाली, इसमें एक अलग ही चीज थी, जैसे कि अब इस तरह इनसे पूछो भाई, डालो 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 गाने वाने, डायलॉग नहीं आए, नहीं डायलॉग अभी गदर पहले ही, मैं गदर 2 में आएंगे वो बताएंगे ना, अरे पाकिस्तान का दामाद बता रहे हैं, उसे पाकिस्तान का दामाद है, दामाद है जो भगा के लाया हमारे, दामाद ये वो और क्या, वो दामाद ही बना वहाँ का, जब वहाँ से भगा लिया सकीना को, मतलब लाहौर मांगे दहेज में, तो लाहौर मांगे, अब चलते हैं बाद में बताएंगे क्या हो गया भैया। कह रहा हूँ कि गदर देख के आ रहे हो ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कैसी लगी आप सेकंड टाइम पे? बहुत ही बढ़िया। तो बिलन की जगह कोई ले पाएगा वैसे, अमरीश पुरी जगह कौन लेगा आप? गनी सिंह, गनी सिंह वो आएंगे, गनी सिंह पॉइंटेड फिल्म से।
गनी आएगा गनी। अच्छा ये कह रहा हूँ जैसे जो जगह थी अमरीश पुरी, क्या लगता है कोई है ऐसा कलाकार हमारे बॉलीवुड जो उनकी जगह ले पाएगा? नहीं इस टाइम तो नहीं ले पाएगा। पाकिस्तानी बोल रहे हमारा हेडपम्प लेके वापस करो। नहीं अब नहीं मिल पाएगा, अब नहीं मिल पाएगा भैया, अब नहीं मिल पाएगा। उगाड़ दिया वो, तू उगाड़ दिया, वो भी उगाड़िया वो। अब तो खाली तोप रहेगी पाकिस्तान की, वो घर के और आनी है दोबारा हेडपम्प लगाना पड़ेगा दोबारा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत गई जो दो यार मूवी बन रही है वो और चमदार बन के आनी चाहिए। होनी चाहिए जो एक दो यार एक में जो हिट हुई है तो 2023 में हिट होनी चाहिए। बात अगस्त में आ रही है ना, अगस्त में आ रही है ना, चलो हिट होगी जब जीत है तो वो भी जाओगी। ऐसा प्लान दोबारा ला के दिखाओ हमें, अमरजीत जैसे सेंसा आदमी, ऐसे आदमी बुला के लगा दोबारा, जम भी आनेंगे हम। जी आदमी जब तक रहेगा जिंदा और रहा है हमारी यादों में रहेगा, पर ऐसा बंदा कोई बिलन कभी मिलेगा नहीं और ना मिलेगा आज तक। अमरीश पुरी जैसा बिलन कोई मिल नहीं पाएगा, कोई नहीं मिलेगा। इस फिल्म को कोई बंदी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मम्मी राज्य मंत्री है मथुरा से, उस फिल्म को बीजेपी सरकार से चाहे योगी आए चाहे मोदी आए उस फिल्म को बंद नहीं कर सकते हैं। सर कोई जगह ले पाएगा वैसे अमरीश पुरी? अब कोई नहीं ले पाएगा, नहीं नहीं अब कोई नहीं, अब कोई नहीं ले पाएगा। उसकी पर्सनैलिटी अलग की उसकी, अब कोई ले ही नहीं सकता उसके बगल में। अब हो सकता है कोई नया आया तो कह नहीं सकता अब कोई नहीं। पहले आपने देखी थी उस समय पर कतर? हाँ देखी थी। क्या हुआ था उस समय? कुछ भौकाल हुआ था, कुछ चली नहीं चली? भौकाल हुआ था तो हम पवाड़ हुए, आग लग गई थी सलाम, ज्वाला में लगी थी आज से 22 साल पहले। ज्वाला में लगी, अंजना में लगी। एनिमल और गदर टू दोनों देखूंगे। एनिमल और गदर दोनों देखोगे आप? वो पिक्चर अच्छी आ रही है एनिमल बहुत। क्या लगता है कोई जगह ले पाएगा अमरीश पुरी की? वो नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है ही नहीं। क्यों नहीं ले पाया, क्या रीजन है उस? रीजन क्या, रीजन कुछ नहीं है, वो अदाकार अलग ही थे ना पुराने वाले, वो डायलॉग डिलीवरी आवाज ही अलग थी, वो अब कहाँ है इतना। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमारा हेडपम्प लेके वापस करो, पाकिस्तानी बोल रहे हमारा हेडपम्प लेके वापस करो। अब समर सेवल का जमाना है, अब हेडपम्प का कहाँ है, अब तो समर सेवल उखा रही है। क्या लगता है क्या उखाड़ेगा इसमें संदीप वैसे? अब भैया अभी तो लाहौर का वो टीजर में दिया था ना, लाहौर लाहौर ही ले लेंगे, तो अब की तो लाहौर का ही डर है उन्हें। पाकिस्तान का बता रहे दामाद है, पाकिस्तान दामाद है ना, टीका लगाओ नारियल चढ़ाओ और नहीं तो लाभ ले जाएगा। हमारी किसने देखी थी क्या देखी थी? इंदौर बता रहे हेडपम्प लेके आए थे, अब क्या लेके आएंगे, क्या लगता है गदर 2 में? ये तो पता ही चलेगा क्या लेके आएंगे, रजनीकांत की जेलर आ रही है तो लगता है मतलब सही कह रहे हो वैसे आप, लेकिन पोस्टपोन्ड हो सकती है, कोई नहीं लेकिन यार अभी तक सकती है वो कन्फर्म होगी, पोस्टपोन्ड होगी एनिमल। न्यूज तो आई थी पोस्टपोन्ड होने की, मूवीज एक दिन रिलीज करना ना थोड़ा, चार मूवी रिलीज करना एक दिन, मुझे तो बेवकूफ़ी वाली बात है यार। सबका ही बिजनेस तो सबका ही बटेगा ना, सभी परेशान, इससे अच्छा तो एक ही रिलीज कर दो ज़्यादा सही है। क्या लगता है इनमें कौन सी मूवी से चल पाएगी, किस उम्मीद ज़्यादा है? मैं तो यार गदर ही देखूँगा, मैं तो और कोई देखूँगा नहीं, मैं दोनों देखूँगा। माय गॉड 2 इतना खास नहीं है कुछ भी यार। देखी थी उस समय पर गदर मूवी? देखी थी आपने? मैंने तो देखी थी। कैसी लगी थी उस समय पर? बहुत अच्छी लगी थी। फिर देखने के लिए आगे गदर क्या बात है, कितने बड़े फैन हो संदीप वाले? मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी पिक्चर देखना। हाँ पाकिस्तानी बोल रहे हैं हमारा हेडपम्प लेके वापस करो, वो तो वापस नहीं होगा, उखाड़ा ही जाएगा। इस बार क्या लगता है क्या लेके आएगा संदीप वाले पाकिस्तान से? अब ये तो नहीं पता है लेकिन कुछ अच्छा लेके आएंगे। कोई गाने वाने आते हैं कदर के? गाने मैं भूल गया हूँ, लेके एक गाना तो आता है, उड़ जा काले कावां तेरे, ये वाला उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावां। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे गदर में पहले सन वो थे अमरीश पुरी विलन के किरदार में, तो कोई ऐसा है कोई कलाकार जो अब विलन के किरदार में जज पाएगा? कोई नहीं जज पाता अमरीश पुरी के बराबर। अमरीश पुरी की बात अलग थी, उनकी तो आवाज, उनकी पर्सनैलिटी एक अलग ही थी, अलग ही है, उनका सर रिकॉर्ड कोई नहीं बना पाएगा। उनके जैसा विलन कोई आ नहीं सकता फिल्म दुनिया के अंदर। नहीं नहीं बाबा
जो हमने सुरी निभा सकते हैं उनका ऐसा कोई किरदार हमारा है नहीं है ऐसा कोई पाएगा उन जैसा अभी तक अमरीश पुरी जैसा। अमरीश पुरी क्या मतलब पर्सनैलिटी उनकी अलग थी यार, जो मतलब जैसा वो मतलब किरदार प्ले करते थे, मतलब ये लोग शायद मेरे ख्याल साल मतलब 100 साल में एक बार पैदा होते हैं मेरे ख्याल से ऐसे लोग, जैसे क्रिकेट में सचिन हो गया, एक्टिंग में अमरीश पुरी हो गया, उनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा वैसे मेरे ख्याल से, कोई नहीं ले पाएगा। हर जो एक इंसान आया अपनी अपनी वो बना के गया अपनी, वो भी सही थी। जैसे अभी जो गदर 2 आ रही है इसके अंदर सिखों ने कुछ भड़क गए सिख इस बात पे, क्योंकि गदर 2 के अंदर जो सनी देओल और अमीषा पटेल है इन्होंने गुरुद्वारे में रोमांस किया हुआ, कुछ केसिंग सीन का मैटर आया हुआ है, तो वो बता रहे हैं पिक्चर को बैन करना चाहिए। अब ये तो वो ही बताएंगे, इसकी तो हम नहीं कह सकते, इतनी जानकारी तो नहीं है, कोई गलत होगा तो जब भी वो क्षेत्र है। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ बस, ऐसा हुआ है कि गुरुद्वारे में कुछ रोमांटिक सीन शूट हुए हैं। गलत है सीन काटने सही है, पिक्चर को बैन करना सही है? अब ये तो वो यहाँ डायरेक्टर नहीं, पहले सीन काटने चाहिए जी, जब पिक्चर बैन करने चाहिए जी, पहले सीन काटने के बाद जब पिक्चर बैन कर लीजिए। कोई दूर द्वारा है, दूर द्वारा का मतलब धर्म, धर्म का मतलब मैंने तो बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा धर्म हो गया, क्या वो मियाँ भाई का, वो हिंदू का, वो किसी का, मियाँ भाई कुछ भी हो, पहले वो धर्म, पहले वो सीन को काटने चाहिए, जब जाकर वो सीन को आगे पिक्चर बढ़ाने चाहिए जी। तो मतलब कोई ऐसा कोई है एक्टर हमारे बॉलीवुड में दिमाग में नाम आ रहा है जो अमरीश पुरी की जगह ले सके? नहीं ऐसा कोई नहीं है। कोई साउथ का कोई एक्टर हो या फिर हमारे बॉलीवुड का? बजरंगी टू का हाँ, साउथ की मूवी है जो उसमें विलन दिखाया है, उसमें विलन दिखाया है, ले सकता है अमरीश पुरी की। आपने देखी थी गदर? उसमें देख रही हूँ, 30 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, आपने गदर नहीं देखी अब तक? नहीं बाबा देखी है। मेरा एक सवाल है, कोई ऐसा कलाकार है जो अमरीश पुरी की जगह ले पाएगा विलन के किरदार में? और भैया जहाँ तक अंदा है उसे पुरी कोई ले नहीं सकता है, नहीं ले सकता। क्या रीज़न क्या है? रीज़न क्या, उसकी एक्टिंग अच्छी थी, अलग ही थी। हाँ उन्होंने हर रोल अच्छा निभाया, मैंने ऐसा यार रोल कोई करने वाला। एक क्वेश्चन नजर आई यार, गदर मूवी देखी थी आपने उस समय को? नहीं। गदर मूवी आपने अब तक नहीं देखी है? नहीं, मैं 22 साल पहले गदर आई थी, गदर का मौसम चल रहा है यार, गदर आप फिर इस समय देखने आए हो यानी? हाँ। अच्छा, कोई गाना इसके कभी सुना है गदर मूवी के? नहीं, इसके गाने भी नहीं सुने आपने अब तक? चलो भाई धन्यवाद। आपने गदर मूवी देखी थी? हाँ देखी है। अच्छा, कैसी मूवी थी उस समय पर, क्या हंगामा हुआ था, भोकाल कुछ हुआ था? नहीं हुआ था बिल्कुल, जब ये दोबारा आए ना देखने। अच्छा। सही था सब कुछ, बढ़िया मूवी है, अभी दोबारा आए देखने। अच्छा, जैसे विलन जो था अमरीश पुरी, क्या लगता है कोई जगह ले पाएगा अमरीश पुरी की? अब यार वो तो लेजेंड बंदा है, उसकी जगह कैसे ले पाएगा, कोई नहीं ले पाएगा, वो एक नंबर है, वो उसी के लिए तो आए दोबारा, सब कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी ना जो पुराने में। हालांकि विलन आ भी रहा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी जगह ले पाएगा, तो उनका एक अलग ही हो रहा था। कौन आ रहा है? एक है, एक वैसे मतलब टीवी जगत का ही है। अच्छा, तो जज नहीं पाएगा वैसे, कोई भी विलन आ जाए वो नहीं जज पाएगा, उसके अलावा वो तो अलग ही है ना, अलग ही सिस्टम है। वही उड़ जा काले कौवा, वही वो मैं निकला गड्डी लेके, तो वही गाने हैं उसके।